राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने कानपुर नगर में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 26,468 बताने पर 18 मार्च को अपनी आपत्ति दर्ज कराई है, जिस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रभारी अधिकारी शिकायत प्रकोष्ठ को राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की शिकायत का निराकरण कराने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने आरोप लगाया है कि दिव्यांगजनों को वोट के अधिकार से वंचित करने की साजिश हो रही है। सभी दिव्यांगजन को वोट डालने का अधिकार नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ज्ञात हो कि 2011 की जनगणना में दिव्यांगजन की संख्या 116,292 दर्ज है, जबकि जिला निर्वाचन अधिकारी ने 26,468 दिव्यांगजनों को मतदाता घोषित किया। ये दिव्यांगजन को लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी से वंचित करने की साजिश है। इस संबंध में आज एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें चुनाव का बहिष्कार, वोटर लिस्ट फूकने का निर्णय लिया गया। आज की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अल्पना कुमारी, अरविंद सिंह, गुड्डी दीक्षित, धीरेन्द्र केसरवानी, आशीष कुमार, वीरेंद्र अवस्थी, अनिल श्रीवास्तव आदि शामिल थे। आइए देखें खास रिपोर्ट कानपुर से। रुपया का खर्च निर्वाचन आयोग ने किया मतदाता बनाने के लिए। और झूल आज बैठक कर रही, बैठक में क्या क्या समस्याएं निकली, क्या बोला? आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की जो बैठक हुई है, इसमें जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अधिसूचना जारी हुई है, इसमें जिलाधिकारी कानपुर नगर ने 26,000 कुछ दिव्यांगों को मतदाता बताया है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 116,000 से ऊपर दिव्यांग पंजीकृत हैं। हर महीने 150 से 200 दिव्यांगों के प्रमाण पत्र बनते हैं। 13 साल हो गए, 13 साल में अगर हम मान लें तो कम से कम 20,000 की संख्या से ऊपर के दिव्यांग और जुड़ गए होंगे। हमारे हिसाब से 1.5 लाख दिव्यांग कानपुर में है। 1.5 लाख दिव्यांगों में मात्र 26,000 दिव्यांगों को वोटर बताया जा रहा है, उनका मतदान करने की बात की जा रही है, ये गलत है। और इस तरीके से ये चुनाव जो है, ये दिव्यांगजनों को लोकतंत्र की भागीदारी करने से रोका जा रहा है। हमने जिला निर्वाचन अधिकारी को 18 मार्च को पत्र लिखा था, जिसका जवाब उन्होंने कल हमको बाई डाक भेजा है, और उसमें उन्होंने कहा है कि आपकी शिकायत का निस्तारण किया जाएगा। लेकिन अभी चुनाव नज़दीक आ गया है, नामांकन की डेट आ गई है, जिला प्रशासन या निर्वाचन कार्यालय कैसे हमारी समस्या का समाधान करेगा? क्योंकि बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो बूथों पर नहीं जा सकते हैं, चरपाई में पड़े हुए हैं। तमाम दिव्यांग जो है, उनको जानकारी नहीं है कि उनको भी वोटर कार्ड बनवाना चाहिए। तो ये काम, करोड़ों रुपया जब निर्वाचन आयोग ने खर्च किया है वोटर बढ़ाने के लिए, तो क्यों नहीं दिव्यांग जनों को जो है वोटर बनाया गया, और क्यों नहीं उनको जो है सूचीबद्ध किया गया? तो इस तरीके से मामले हैं। इस पर हम राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने निर्णय लिया कि अगर सभी को लोकतंत्र में भागीदारी का अधिकार नहीं मिलता दिव्यांगजनों को, तो राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी इस चुनाव का बहिष्कार करेगी और वोटर लिस्ट को फूंकने का काम करेगी, जलाने का काम करेगी, क्योंकि ये फर्जी है वोटर लिस्ट। अभी बीच में आप कमिश्नर ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ पर आपने क्या मिले उनसे, क्या मिला? कमिश्नर ऑफिस तो उत्पीड़न का मामला था, उसको लेके गए थे, लेकिन ये मामला अलग है। ये लोकतंत्र में भागीदारी जो दिव्यांगजनों को करनी चाहिए, वो उसके संबंध में है, और हम लोग चाहते हैं कि सारे दिव्यांग, एक भी दिव्यांग न छूटे, और उनको भी वोट का अधिकार मिले, वो भी अपना मतदान करें।